हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। थोड़ा सा जो रेगुलर का मेकअप होता है वो होगा, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैं अभी तक की हूँ लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा। तो बस यहाँ पे मेरी नॉर्मल कंघी वगैरह जो भी होना था वो हो चुका है, क्योंकि ना मैं अपने रूम में हूँ तो यहाँ पे हैंगर में कपड़े टंगे हैं, तो जैसे सबके यहाँ टंगे रहते हैं वैसे मेरे यहाँ। तो फर्स्ट मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, क्योंकि ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई क्रीम वगैरह ना लगाएं आप, तब भी अगर ये एलोवेरा जेल आप लगा रहे हैं तो फेस के लिए एकदम स्मूथ सा बना देता है ये, और इतना बढ़िया ग्लो करता है फेस पे कि क्या बताऊँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी ना गुलाब जल। गुलाब जल स्प्रे करने के बाद आपको 2-3 मिनट के ऐसे सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर ना ये होता है ना कि मैं गुलाब जल लगाती हूँ और बस पतंजलि मैं क्रीम वगैरह कोई नहीं यूज़ करती, बस थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाऊंगी मैं। बस नॉर्मल मेकअप तो डेली वेयर का रहता है वो, तो मैं बस पूजा पाठ वगैरह करने के बाद सीधे आ गई अपने रूम में, और यहाँ पे बस ना थोड़ा सा तैयार वगैरह होना था, तैयार शेयर। बस मैंने लिप बाम लगाया है और मैं लक्मी का लगाती हूँ, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट लक्मी का ही लगाती हूँ, क्योंकि वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। उसका जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। ब्रांड की हर चीज़ वैसे अच्छी होती है, तो लेकिन लक्मी मेरा एक फेवरेट है। और मैंने लिप बाम जो लगाती हूँ स्ट्रॉबेरी का है, उसका जो है ना बहुत यमी सा स्मूथ सा रहता है, और मतलब पूरे टाइम आपका टिका रहता है, पूरा लॉन्ग टाइम का है ये। तो ये आप लोग जो नहीं लगाते होंगे वो भी लगाएं। तो ये देखिए मेरा मेकअप जो डेली का यही मैं करती हूँ, और मेरे फेस पे मैं मतलब अपने फेस में कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। इस टाइम गर्मी है तो मैं अगर रूम में आती थोड़ी देर बाल वगैरह मैं खोले भी रखती हूँ, वैसे मैं बहुत कम रखती हूँ। तो आप लोग को पता है ना कि एलोवेरा जेल कोई भी लगा सकते हैं, पतंजलि, वैसे मैंने पतंजलि का ही ले रखा है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, वैसे फेस के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो बस नॉर्मल मेकअप मेरा हो गया, और मैं अपने ड्रेसिंग में नहीं रखती हूँ, क्योंकि आराध्या ना तो मेरा इधर से उधर सब ख़राब करती रहती है। उसके बाद मुझे जाना है किचन में डायरेक्ट, आज मैं बनाऊँगी फरा। तो बस इसकी रेसिपी मैंने डिटेल में दे रखी है, इसलिए मैंने बस आप लोग को वैसे क्लिप थोड़ी सी दे दी है कि आज मैंने क्या बनाया है। तो मैंने यहाँ देखिए थोड़े से मेरा पक भी चुका है फरा, और मैंने सब्जी बनाई थी, ये देख रहे हैं ना, आलू बैंगन टमाटर की जूस वाली सब्जी, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पूड़ी भी बनानी थी चावल की। तो ये देखिए यहाँ पे ना आपको पूरा ऐसे तैयार करने के बाद बॉयल कर देना है, ये अच्छे से आपको 10 से 5 मिनट पका लेना है। ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ऐसे ही मतलब किया जाता है। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी पहले ही मतलब दे रखी है, इस वजह से मैंने डिटेल नहीं दिया है। और फरा बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं खाते हैं तो प्लीज़ ट्राई करना खाना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये देखिए बस थोड़ा सा बचा है और मेरा अधिकतर बन चुका है। तो आज का डिनर समझ लीजिए, लंच समझ लीजिए, वही है, और मैंने कुछ नहीं बनाया। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, और ये क्लिप का परसों नरसों की ही है, तो हम मतलब ककड़ी हम लोग के यहाँ बोलते हैं, खीरे जैसे इसका स्वाद होता है, वो भी बहुत यम्मी लगता है। इस टाइम गर्मी में खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ, इस टाइम का समय ही चल रहा है, ये सीज़न ही, तो सब लोग अधिकतर खाते पीते होंगे। तो यहाँ पे बस मैं पीसेस कर लूँगी, और मैं अपने लिए और इन लोग के लिए मतलब और भी फैमिली, मैंने एक ही कट किया है क्योंकि आधे लोग खा चुके थे, थोड़े लोग बचे थे जो खाने वाले थे, मतलब हम थे और भैया थे और ये भी थे, तो इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस एक दो बाइट जो भी लें। आराध्या भी थोड़ी सी खाई थी, तो बस यहाँ पे पीसेस वगैरह मैं कर लूँगी, छोटा बड़ा जैसे भी आप लोग को करना हो। तो हम लोग यहाँ ककड़ी बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं तो ज़रूर मुझे बताना। और जब ना ककड़ी एकदम से पक जाती है तो वो खाने में बड़ा स्वाद लगता है, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन अभी तो ना अभी वो बच्चा टाइप का है, आई मीन अभी ये देख ली, इसका भी देखने में खीरे जैसे ही लग रहा है, लेकिन ये खीरा है नहीं, ककड़ी है। तो आप लोग खाते नहीं खाते हैं ज़रूर कमेंट करना मुझे, और अच्छा लगता है मुझे खाने में, तो शायद आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। गर्मी में तो ये सब खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ये पूरे टाइम इसकी जो है ना नमी बनी रहती है, तो झाज वगैरह हुआ, तो यहाँ पे मैं ना काले नमक के साथ, इसको काले नमक के साथ साथ खाने में ना बड़ा स्वाद आता है। तो कोई भी वर्ड मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ माइंड ना करना। उसके बाद पापा यहाँ पे चिप्स लेके आए थे, तो मैं भी वो भी दिखा रही थी, क्योंकि ना और ककड़ी, तो ये क्लिप है मतलब बाद में। ये जो चिप्स मैंने मंगवाई थी ये मार्केट का ही है, और खाने में बड़ा अच्छा लगता है ये, मतलब हल्का भी रहता है, आप स्नैक्स वगैरह भी मतलब कह सकते हैं ऐसा कुछ।
तो उसके बाद फिर ये देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया और ये करीबन 2-2.5 बजा था, तो ये सिलेंडर आया था ना, तो इस टाइम कोरोना के पहले भी सिलेंडर वगैरह हम लोग धुल के ही डालते हैं, मतलब किचन में रखते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाता है, कहाँ फेंका रहता है, तो किचन वगैरह में साफ़ क्लीन कर लेने के बाद ही डालना चाहिए। उसके बाद ये देखिए आराध्या की मस्ती, और आज वो ग्लेंडर लेके बैठी हुई है और इसी में कह रही मम्मा मुझे खाना बनाना है, ये खाना भी बनाती है। और खाना क्या, आप ही थोड़ी देर में कहेंगे ना मम्मा यहाँ पे बन चुका है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और बस ये ना बाहर वगैरह भी हैं इस टाइम ना, बच्चे जिद भी नहीं करते कि हाँ मम्मा मुझे बाहर भी जाना है, ये अपने में मस्त रहती है, मतलब इसको ना खिलौने से इतना मतलब प्यार नहीं है जितना इसको बर्तनों से है। तो वो ना किचन में जाती है, सारी बर्तन वगैरह भी लेके आ जाती है, और रोटी सब्जी दाल चावल सब इसी में बन गया है और सबको खिलाना भी स्टार्ट कर दी है। तो बच्चे को पता नहीं कहाँ से माइंड में ये सब खाना पीना और झाड़ू पोछा करना पता नहीं कहाँ से इनको आ जाता है, और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब ये खेलती है, और ना बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, मैं इसके साथ मस्ती भी बहुत करती हूँ मैं। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम था, तो मैंने जैसे बोला था कि ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी है, तो ये गुलाब जामुन का 2 पैकेट मैंने मंगवाया था, और ये मतलब प्राइस होगा 65 या 69 का ही है दोनों, मतलब एक एक करके, एक एक का प्राइस मतलब 69 का है, तो 2 पैकेट मैंने बनवाया, तो इसमें 2 पैकेट में कम से कम आपको 200-250 के लगभग पीसेस बन जाएंगे। तो बस कल इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और मैंने रिफाइंड भी लिया है, और इसको अच्छे ना मैं वॉश कर दी हूँ, और चीनी की पैकेट बस ऊपर से मतलब सैनिटाइज़र हल्का से कर दिया था, क्योंकि ना चीनी अगर मैं पानी डालूँगी तो वो ख़राब हो, वही मैं आप लोग को बता रही थी। तो यहाँ पे ना ये सब धुल के मैंने सैनिटाइज़र वगैरह करके रख दिया है, और न्यू पैक जो आया है ना सोया हेल्थ का ये फार्चून, तो यही हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो कल यमी यमी से आपको रसगुल्ला देखने को मिलेगा, खाने को तो नहीं कह सकते क्योंकि आप लोग आ नहीं सकते हो इस वजह से, तो यहाँ पे करीबन 2 या 3 किलो चीनी से आई थी। उसके बाद फिर गाइस दोपहर टाइम है और आराध्या की मस्ती यहाँ पे शुरू है, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आराध्या क्या कर रही है, और ना एक चिपक ले लेती है, मतलब कहीं भी डिब्बे वगैरह का लेके ये देखो सबके हाथ में लगाती है, मेरे यहाँ इतना डिब्बा वगैरह जो कुछ है सबका ये निकाल निकाल के, और अगर आप खुद से नहीं निकाल पाती तो दूसरे से जिद करती है, और निकालने के बाद ये देखो अब वो सबको लगाती रहती है। और ये एसी का भी इसका निकाल के लेके आई हूँ, उधर लगा था वही से लेके आई है, ये इनका काम इतना रहता है, ये फालतू वाले काम बहुत करती हैं। तो आराध्या देख के अब टैडी पे लगा रही है, ये देख लीजिए आराध्या खुश भी रहती है, इसको बड़ा मजा आता है ये सब करने में, देख रहे ना आप लोग। और एसी में रहो तो नहीं गर्मी लगती है, लेकिन बाहर अगर जाओ कहीं ना तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मन तो करता है बस जहां भी जाओ ना एसी लेके जाओ, क्योंकि एसी ही ऐसी चीज है जिसमें राहत रहती है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताऊं। तो आज ना मैं कुछ बनाने वाली हूँ रसगुल्ले, तो मैं कल शेयर करूंगी आप लोग के साथ, और बहुत मज़ेदार बहुत सॉफ्ट और बहुत झटपट बनने वाले रसगुल्ले, झटपट क्या उसमें तो टाइम लगेगा ही, कोई भी चीज़ बनाने की बात कहने की बात होती है कि झटपट हो जाता है, लेकिन होता नहीं है। ये देखो जिद कर रही, बार बार चिपकाने वाला कर रही है, और ये अभी मैंने बेड शीट वगैरह सही किया है, और आध्या देखो इसकी हालत बनाती जा रही है, आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए कह रही है आप लोग को भी चिपका दे अब ये देख लीजिए वो नहीं चिपकेगा, कह दो जिसको जिसको चिपकाना हो आ जाओ, बोल दो आ जाओ चिपकाने वाला आ जाओ। तो सुन लिया आप लोगों ने, तो प्लीज अगर आपको मतलब ऐसा चिपकाना है ना तो आप लोग आ जाइए मेरे घर और आराध्या चिपकाएंगी। तो गाइस आज के ब्लॉग में कुछ खास मतलब मैंने रेसिपी जो शेयर किया था, मतलब नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है और लंच भी हो चुका है, अब कुछ है नहीं। और कुछ बातें मैं आप लोग से ये कहने वाली हूँ, अब हैंगर पे तो कपड़े टंगे ही हैं जैसे सबके यहाँ टंगे रहते हैं, तो मुझे ये कहना था ना कि कुछ जो होते हैं ना सब्सक्राइबर, जैसे आप मुझे अभी 10 मिनट हुआ ज्वाइन किए हुए, तो आपने तुरंत सब्सक्राइब किया, और उसके बाद आपने बोला कि मतलब आधे घंटे 1 घंटे आपने देखा, उसके बाद आप हट गए, क्योंकि ना
जो आप लोग मैसेज मेरे पास भेजते हो सब्सक्राइब का या लाइक का या अगर कुछ ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है इस टाइम कि आप लोग का मेरे पास आता ही नहीं है, इनबॉक्स में मैसेज आते नहीं हैं, तो जब तक मैं देखूंगी नहीं तो फिर आप लोग को मैं कैसे बता सकती हूँ कि हाँ आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया या मैं कैसे कर सकती हूँ आपको। तो आप प्लीज़ पहले एक घंटे दो घंटे एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, अगर वो जैसे ही मैसेज मेरे पास आता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ आप लोग का और मैं तुरंत सब्सक्राइब भी कर देती हूँ किसी का भी हो। तो गाइज वो एक रिक्वेस्ट है कि आप ना एक मिनट आपने वीडियो में देखा नहीं तुरंत सब्सक्राइब कर दिया और आप भी बोलते हो ना कि बैक करिए तो मैसेज मेरे पास नहीं आता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब कह रहे हैं ना यूट्यूब वाले साइट पे जा रहा है, तो जब ये साइट पे चले जाते हैं ना तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि आया हुआ आप लोग का मैसेज। तो आप लोग माइंड ना करिए, क्योंकि अगर जैसे मेरे पास पहुंचता है ना मैं तुरंत मैं चेक भी कर लेती हूँ कि हाँ किसने मेरा सब्सक्राइब किया किसने नहीं किया है। तो वही मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से कि प्लीज आप 2 से 3 मिनट देख लीजिए, उसके बाद ही आपको मतलब मुझे सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब अनलाइक जो भी डिसलाइक जो भी करना हो आप कर सकते हैं। तो आप मुझे प्लीज टाइम दीजिए, बस यही बात मुझे कहनी थी, क्योंकि हर सब्सक्राइबर के साथ ही यही हो रहा है, जितने यूट्यूबर हैं सब यही कह रहे हैं कि, और ये भी है ना कि 1-2 मिनट वीडियो देख लेते हैं उसके बाद कर देते हैं तो ये साइड पे चला जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें, मुझे 1 दिन का 2 दिन का टाइम दीजिए। अगर जैसे मेरे पास मैसेज इनबॉक्स में आ जा रहा है, बेटा अब बात नहीं करना आप, ठीक है मम्मा बात कर ले फिर उसके बाद आप करना, ओके जाओ वहाँ पे चिपकाओ अपने डॉल पे टैडी पे चिपका दो। तो बस यही कहना था। तो प्लीज आप जो मैंने कहा है आप लोग समझिए मेरी बात, तो जैसे मैसेज आता है मैं आप लोग के साथ यहाँ सब्सक्राइब लाइक शेयर सब मैं कहती हूँ और मैं वीडियो सबका देखती हूँ, क्योंकि ये होता है ना जैसे कि सब्सक्राइब बहुत होते हैं ना कि सब्सक्राइब करवाने के बाद फिर काम वहाँ से हट गया ना, मतलब उसको वीडियो ना देखते हैं ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना। तो ऐसे ना आपका फायदा ना मेरा फायदा है, क्योंकि ना यूट्यूब जो एक यूट्यूबर होंगे उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि दोनों का नुकसान हो रहा है। आपने कितना किसका देखा वो यूट्यूब पे आ जा रहा है, जैसे मैं चलाती हूँ तो मैक्सिमम मैं पूरा अधिकतर देखती हूँ, तब उसके बाद फिर लाइक डिसलाइक वो मैसेज तुरंत आप लोग तक पहुँचता होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं ना हमारे सब्सक्राइबर 1-2 मिनट देखे उसके बाद बस तुरंत डिसलाइक जो भी करना था उनको करके तुरंत चले गए। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि 5 मिनट मैंने आप लोग का समय ले लिया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बस कल मैं मिलूंगी फिर।